सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हम चल चुके हैं एंड लगेज रख चुके हैं। मेरे साथ है जगरूप भैया जो कि मेरे फ्रेंड है एंड मुझे छोड़ने जा रहे एयरपोर्ट पे। और ब्रो कैसे हो? बढ़िया भैया, आप बताओ। बढ़िया जी बढ़िया। सो हमें अभी लगने वाले हैं 20 to 25 minutes लगने वाले हैं विद ट्रैफिक। सो विद ट्रैफिक हमें 20 to 25 minutes लगेंगे एंड आफ्टर दैट हम पहुँच जाएंगे। एंड नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको साथ साथ बताते रहूँगा। जो कि डॉक्यूमेंट्स की नीड है वो मुझे पता है कि मेनली पासपोर्ट ही चाहिए, जैसा कि भाई ने भी कई बार ट्रैवल किया है एंड इमिग्रेशन से रिलेटेड काम करते रहते हैं। भाई को बहुत नॉलेज है तो इसलिए इनसे पूछा था मैंने कि क्या क्या चाहिए। तो सिर्फ पासपोर्ट चाहिए यहाँ से जाने के टाइम एंड आते हुए थोड़े डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आते हुए बात करेंगे आने वाले व्लॉग में। बट अभी जाते हुए व्लॉग में जाते हुए की टाइम की बात करेंगे, कौन सी टिकट बुक हुई है सब कुछ बताऊँगा। जहाँ पर मेरा स्टे है वहाँ पर रुकने के बाद मैं आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा क्योंकि वहाँ पर मेरा रूम में स्टे है एंड वहाँ पर आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा मैं। सो मिलते हैं गाइस फिर से आपको नेक्स्ट पार्ट में। सो गाइज एवरीथिंग डन है, चेक इन डन है, बैगेज चले गए हैं। सो हम अपने E73 गेट पर जाने वाले हैं एंड वहाँ पर पहुँचने के बाद हमें फ़्लाइट का वेट करना है। ड्यूटी फ्री एरिया में मैं आ चुका हूँ सो वहाँ पर वेट करना है। सो करते हैं वहाँ पर टाइम पास, अब क्या कर सकते हैं, रील्स देखेंगे, फ़ोन यूज़ करेंगे एंड बात करेंगे घर पर। तो जैसे ही आपको हम मिलते हैं दुबई पहुंचने के बाद, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दुबई में स्टे है मेरा, वहां पर रुकने वाला हूं मैं। तो दुबई में मिलते हैं आप गाइस, अभी चलते हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं जहाज में, जहाज आ चुका है। हाय, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं फ्लाइट में पहुंच चुका हूं और विंडो सीट मैंने पहले से कंफर्म कर दी थी अपनी। एंड वन थिंग मोर, एमिरेट्स में जा रहा हूं मैं फर्स्ट टाइम, तो एमिरेट्स का एक्सपीरियंस आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। दुबई में पहुंचते ही आपको मैं सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं एमिरेट्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा, बट अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा है। एंड एयर इंडिया में मैंने एयर कनाडा में दोनों में ट्रैवल किया बट वहाँ पर स्क्रीन मेरे को बिल्कुल भी मिलती नहीं थी कि जो यूज़ में हो, बट यहाँ पर लग रहा है कि यूज़ है। तो लाइक देख सकते हैं एवरी स्क्रीन इज वर्किंग। सो देखते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। भैया जितनी बार भी ट्रैवल किया है उसमें आज ही मेरी स्क्रीन काम कर रही है, तो देखने वाला हूँ। आज मैं मूवीज ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने एंड उसके बाद यहाँ पर बहुत से मूवीज़ के ऑप्शन स्टार्ट हो चुके हैं। ओल्ड मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़, न्यू बॉलीवुड मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़, यशराज फिल्म्स। तो मैंने किया है यहाँ पर, देखने वाला हूँ मैं पिक्चर कौन सी देखनी है मुझे, तो न्यू बॉलीवुड पर क्लिक करता हूँ मैं। न्यू बॉलीवुड में देखते हैं कौन कौन सी मूवीज़ हैं। न्यू बॉलीवुड मूवीज़ कहाँ गया, ये रहा। सो क्लिक किया है एंड इसमें देख सकते हैं आप पठान मूवी है एंड लाल सिंह चड्ढा है। सो बहुत सी न्यू मूवीज़ हैं बट मुझे देखनी कौन सी है सो मैं देखता हूँ अभी। जो नहीं देखी हुई है वही देखने का फ़ायदा है। सो दृश्यम 2 देखते हैं आज की, दृश्यम 2 में जो लाश थी वो मिलेगी या नहीं दृश्यम 2 में, तो ये देखने वाला हूँ आज मैं गाइस। दृश्यम 2 देखते देखते मेरा जो 3 घंटे का ट्रैवल है कम से कम वो तो निकल ही जाएगा। गाइस फ्लाइट में आ चुके हैं एंड हमारा सीट पार्टनर आ चुका है। हेलो हेलो एवरीवन। सो क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम जिब्रान है। जिब्रान, ओके। सो हमारे भाई आ चुके हैं और हम दोनों प्रे कर रहे हैं कि बीच वाली सीट हमारी एम्प्टी रहे और कुछ नहीं चाहिए हमें, आराम से जाएं खुले खुले एकदम खुले खुले होके जाएं तो मज़ा आने वाला गाइस। बट इनका स्टे है जो दुबई में वो थोड़ा कम है सो ये अलग हो जाएंगे, दुबई तक का ट्रैवल साथ में करेंगे बट आफ्टर दुबई अलग हो जाएंगे।
तो बट देखिए न्यू न्यू फ्रेंड्स मिल जाते हैं, नंबर शेयर हो चुके हैं पहले से, सब कुछ है, तो ऐसे ही टाइम पास होगा। तो सो देखते हैं गाइस, अभी मैं तो लगाने वाला हूँ मूवी, जैसे कि आपको दिखाया स्क्रीन चल रही है, दृश्यम 2 देखने का प्लान बन चुका है, एंड ब्रो देखने वाला है पठान। तो डिनर आ चुका है गाइस, बट जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुड मैनेज्ड है, एंड साथ में जो टेस्ट है ना वो एयर इंडिया और एयर कनाडा के मुकाबले तो बहुत अच्छा है, क्वालिटी इज़ वेरी गुड, स्पेशली राइस की एंड पनीर की। तो ओवरऑल जो डिनर का एक्सपीरियंस मेरा रहा है एमिरेट्स में बहुत अच्छा रहा है। मॉर्निंग हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर सूरज आ चुका है, एंड अभी तक फ़्लाइट में अंधेरा था बट अब थोड़ा थोड़ा रोशनी होने लगा है। साथ में आप देख सकते हैं मेरी फ़्लाइट का फ्रंट व्यू कैमरा, एंड साथ ही हम 4 आवर्स का ट्रैवल रह गया है, एंड जब भी कुछ दिखता है तो देखते हैं। कैसे हैं आप सब गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं दुबई एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूं। सो मुझे क्या है कि कनेक्टिंग फ़्लाइट वाले जा रहे हैं यहां पे, जिनकी 2 आवर्स 3 आवर्स के बाद फ़्लाइट है, बट मेरा 16 आवर्स का स्टे है, सो मुझे जाना है एयरपोर्ट से बाहर क्योंकि इन्होंने होटल प्रोवाइड किया है। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ होटल में जाकर शेयर करूँगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का क्या सीन है कि उसके बाद मैं बाहर जा सकता हूँ, सब कुछ शेयर करूँगा आपके साथ। सो वीडियो देखिएगा एंड तक, एंड चलते हैं अभी बाहर की ओर, फिर मिलते हैं आपसे होटल में जाकर। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पे हम पहुंच चुके हैं और एंट्री कर रहे हैं अराइवल्स पे, एंड आफ्टर दैट यहां पर हम एयरपोर्ट पे एंटर कर चुके हैं एंड लाइन में वेट कर रहे हैं इमिग्रेशन के लिए। सो इमिग्रेशन हो चुकी है डन, एंड इमिग्रेशन में कुछ नहीं, उन्होंने सिम कार्ड दे दिया एंड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा क्योंकि पहले से ट्रांजिट वीज़ा था मेरे पास, एंड उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बस दुबई का जो सिम कार्ड है, जैसे मेरा 16 आवर्स का स्टे है सो वो सिम कार्ड दे दिया है जिसमें मुझे नेट भी मिला है 1 GB, एंड मैं कॉलिंग कर सकता हूँ इन दुबई नॉट इंटरनेशनल। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हम वेटिंग एरिया में आ चुके हैं जहाँ पर हमें अपनी बस का वेट करना है, जो कि हमें जहाँ पर जिस होटल में हमारा स्टे है वहाँ लेकर जाएगी। सभी वेट कर रहे हैं, सबका अलग अलग स्टे है, किसी का 3 आवर्स, किसी का 4 आवर्स, एंड किसी का 8 आवर्स, किसी का 10 आवर्स, तो सबका अलग अलग वेटिंग टाइम है। एंड अब हम आ चुके हैं एयरपोर्ट से बाहर क्योंकि हमारी बस फाइनली आ चुकी है। सामने आप देख सकते हैं ये हमने अपना लगेज रखा वैन में, एंड देन हम फ्री हैं। एंड एयरपोर्ट का जो बाहर से भी बहुत अच्छा है, सो हम चल चुके हैं वैन के अंदर, एंड यहाँ के रोड्स मुझे लगता है कि बिल्कुल सेम है कनाडा जैसे, कोई मतलब रूल अलग नहीं है, यहाँ भी लेफ्ट साइड में ही स्टेयरिंग है एंड लेफ्ट साइड में ही हमारी गाड़ी चलती है, जो हमारी साइड है वो लेफ्ट साइड है। सो फाइनली वी रीच्ड एट होटल, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा रूम सबसे लास्ट में बहुत दूर जाकर है, एंड होटल के रूम में हम आ चुके हैं गाइस। तो अब मैं आपके साथ करूँगा इन्फॉर्मेशन शेयर, लेकिन आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट। सो गाइस ये था पार्ट 1 जिसमें मैंने आपको बहुत कुछ दिखाया कनाडा से दुबई तक का, एंड पार्ट 2 हमारा स्टार्ट होगा इन्फॉर्मेशन से, जो कि मैं आपको अब थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद देने वाला हूँ, एंड उसके बाद मैं कहीं पर दुबई में बाहर जाने भी वाला हूँ। सो आपको भी दिखाऊंगा जहाँ पर मैं जाने वाला हूँ। सो गाइस इस ब्लॉग को देखेगा एंड तक, क्योंकि ये ब्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेशनल भी रहेगा, बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको न्यू मिलेगी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं या कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा। थैंक यू गाइस।